महाराष्ट्र के फूलों का फेस्टिवल करीब 7 साल बाद वापस आ चुका है और इस बार इन्हें देखने के लिए सतारा जाने की जरूरत नहीं बल्कि अपने लोनावला में आप इन करवी के फूलों को देख सकते हो जो यहाँ अक्टूबर महीने तक रहेंगे। इसलिए सुबह सुबह अपनी सवारी लेकर हम निकल पड़े लोनावला की वादियों में और करीब 2 घंटे की ड्राइविंग करके हमें ये सोनकी के फूल दिखते हैं और ये खास करके अगस्त से अक्टूबर मंथ में ही खिलते हैं। अब यहाँ से कुछ देर और ड्राइव करके हम उस लोकेशन पर पहुँच जाते हैं जहाँ से करवी के फूल दिखने लगते हैं और इस लोकेशन से अराउंड 15 मिनट और ड्राइव करके हम पहुंच जाते हैं लश क्रेन वैली देवगढ़ और यही वो प्लेस है जहां हम इन प्यारे फूलों को देख सकते हैं क्योंकि ये 7 साल में एक बार खिलते हैं यानी कि एक पेड़ पर इन फूलों को आने में करीब 7 साल लग जाते हैं। बट देखा जाए तो ये हर साल ही खिलते हैं क्योंकि समझो अगर मैंने इन्हें कल बोया तो उनके पेड़ों से 7 साल बाद फूल खिलेंगे। बट अगर समझो मुझसे 1 साल पहले ही इन जमीन में ऑलरेडी उनके पौधे हों तो वो मेरे 7 साल आने से पहले ही खिल जाएंगे। तो टेक्निकली देखा जाए तो ये हर साल ही खिलते हैं और इन्हें स्ट्रोबेलेंथिस कलोसा कहा जाता है जो कि एक ग्रीक वर्ड है। वैसे इन खूबसूरत नजारे को देखकर ऐसा लगता है कि मानो हम किसी जादुई दुनिया में आ गए हैं क्योंकि ये वाकई में बिल्कुल मैजिकल है। और पता है हम इतनी सुबह इसलिए गए थे क्योंकि सुबह के वक्त इन फॉग की वजह से ये जगह बिल्कुल अनरियल और बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है और सुबह सुबह तो इतना क्राउड भी नहीं होता है। वैसे करवी के अलग अलग टाइप्स के फूल होते हैं और उनमें से उनका एक टाइप यहाँ लोनावला में दिखने मिलता है। बट अगर आपको इससे ज्यादा खूबसूरत नजारा चाहिए तो काश पत्थर जाना बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन अगर उतना लंबा नहीं जा सकते तो लोनावला का लश ग्रीन वैली सबसे बेस्ट ऑप्शन है। एड्रेस का डिटेल्स और कैसे वहाँ पर पहुँचना है सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और आपका अगला डेस्टिनेशन मेरे न्यू व्लॉग पर है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नए व्लॉग में। पीस।